सो बहुत टाइम के बाद मैंने अब ये एक वीडियो अपलोड करी है। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, पूरा 1 वीक हो चुका है। लास्ट वीक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला था। सो आज, वैसे तो आप देखकर समझ ही गए होंगे, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक लेकर आई हूँ। लास्ट मैंने एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक करा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो मैंने फैबी मेकअप आर्टिस्ट का मास्क मेकअप लुक क्रिएट करा था, उसे मुझे क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी क्रिएट हुआ था वो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए शाइन स्टाइल यानी कि साइमा का मेकअप लुक लेकर आई हूँ। एक्चुअली उनका एक मेकअप लुक था जो कि एक ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो मेकअप लुक शेयर करूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो मेकअप लुक लेकर आई हूँ। आई नो मुझे ज्यादा अच्छा मेकअप करना नहीं आता है, बट जैसा भी थोड़ा बहुत आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आपके डिमांडेड रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। और उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक कर दो। अब स्टार्ट करते हैं मेकअप की तरफ। सबसे पहले हम आईज़ मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी आईज़ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और उसे ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कंसीलर कौन सा लिया है, कहाँ से लिया है, तो ये एक DIY कंसीलर है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोनों आईज़ पर कंसीलर लगाने के बाद अब मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से उसे सेट कर रही हूँ कंसीलर को। और मैंने यहाँ पर मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। अब मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी की पैलेट से ये एक पर्पल कलर ले रही हूँ और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर, स्पेशली क्रीज लाइन पर बफ करूँगी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ऐसी कोई आई शेडो लगा रहे हो तो जो एक्स्ट्रा पाउडर आ जाता है ना हमारे ब्रश पर, उसे हमेशा डस्ट कर दें, क्योंकि अगर हम उसे डस्ट नहीं करेंगे तो जब हम उसे अपनी आइज़ पर लगाएंगे तो ब्लेंड होने में प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट हमें एक पिंक टाइप का शेड लेना है और उसे अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए ब्लेंड करना है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई डार्क कलर ले रहे हैं तो उसे पहले अपने आउटर वी पर या फिर जहाँ पर भी आप प्लेस करना चाहते हैं, पहले वहाँ पर प्लेस करें, देन आप उसको धीरे धीरे करके ब्लेंड करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आई शेडो पैलेट मैंने कहाँ से ली है, कितने की ली है, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट रिव्यू बनाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये मुझे सिर्फ 300 की पड़ी है, जिसकी पिगमेंटेशन और सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप चेक कर सकते हैं। इस स्टेप को करते टाइम आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले आई शेडो को प्लेस करना है, देन आपको ब्लेंड करना है, जब तक आपकी अच्छी खासी पिगमेंटेशन ना आ जाए। यहाँ पर मैंने एक ब्लैक आई शेडो अप्लाई की है, बट यहाँ पर मैं आपको दो चॉइस दूंगी। अगर आपके पास ब्लैक आई शेडो है बट वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, तो आप पहले काम कर सकते हैं, पहले आप ब्लैक काजल की हेल्प से अपना बेस क्रिएट करिएगा, देन आप उसके ऊपर एक कोई भी ब्लैक आई शेडो जो आपकी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी इस टाइम आई शेडो को सिर्फ प्लेस कर रही हूँ, मैं कोई भी ब्लेंड वगैरह नहीं कर रही हूँ। अभी आपको सिर्फ पहले आराम से प्लेस करना है, अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कहाँ तक आपको अपनी ब्लैक आई शेडो रखनी है, देन आपको ब्लेंड करना है। इस टाइम हमें उसी सेम ब्लैक ब्रश की हेल्प से हमें इसको लाइंस को, जो हार्श लाइन बनी हुई थी उसे हमें अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। हमें जो हमने पिंक क्रीज पर जो अप्लाई कर रखा था पिंक कलर, और इस ब्लैक कलर को दोनों को एक साथ स्मच करना है। उसके बाद जो मैंने पिंक आई शेडो लगा रखी थी क्रीज पर, उसे मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा एक पतला सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे तो ये स्मोकी आई लुक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइनर ड्रॉ करना ही करना है, बट क्योंकि मैं यहाँ पर एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ और उन्होंने भी लाइनर लगाया था, इसलिए मैं भी लाइनर लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो अब मैं डायरेक्टली बढ़ूंगी अपने बेस मेकअप की तरफ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मेरी नोज़ पर बहुत ज़्यादा जो पिंक आई शेडो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉल आउट हो चुका है, इसीलिए मैंने पहले बेस मेकअप नहीं करा था, वरना मेरा बेस मेकअप ख़राब हो जाता। उसे मेकअप रिमूवर की हेल्प से साफ़ करने के बाद अब मैं डायरेक्टली बढ़ूंगी कोई भी एक प्राइमर की तरफ। मैं यहाँ पर एज अ प्राइमर एक एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं और भी अच्छा प्राइमर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए प्राइमर, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं।
देन मैं यहाँ पर अपने पूरे फेस पर और नेक पर लैक्मे का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये लैक्मे का फाउंडेशन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। एक्चुअली फाउंडेशन को ब्लेंड करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आप एक फ्लॉलेस बेस चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ हम कैसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं और अपने कैसे बेस मेकअप को हम अच्छा कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो नेक्स्ट मैं अगेन अपना DIY जो कंसीलर है वो ले रही हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं ये मैंने कैसे बनाया है तो जाइए और आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। सो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें जो कंसीलर है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो हमें कंसीलर हमेशा उन उन जगहों पर अप्लाई करना चाहिए जो जगहें हमारी फाउंडेशन से कवर नहीं हो पाती हैं, यानी कि हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं काफ़ी बार वो फाउंडेशन से कवर नहीं हो पाते हैं, या फिर कोई स्पॉट होता है माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन होती है, या फिर हमारे जो हाइएस्ट पॉइंट होते हैं यानी कि आप देख रहे हैं मैंने नोज़ पर लगाया हुआ है, ये हमारे हाइएस्ट पॉइंट है, हम इसे और ज़्यादा डिफाइन करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर कंसीलर लगाते हैं। सो अगर आप अपने फेस पर कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है बेकिंग। उसके लिए आप कोई भी लूज पाउडर या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से जहाँ जहाँ पर भी आपने कंसीलर अप्लाई करा है वहाँ वहाँ पर आप उसे अप्लाई करें ताकि जो हमारी क्रीज लाइन ना निकले। देन मैं अपने आई मेकअप की तरफ बढ़ती हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी लोअर वाटर लाइन पर और अपर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। ये लैक्मे का काजल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लैक्मे का काजल बहुत अच्छा रहता है तो उसे हमें अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हमें ये काजल थोड़ा सा मोटा ही अप्लाई करना है ताकि जब हम अपनी लोअर लैश लाइन पर आए तो हम उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकें। काजल अप्लाई करने के बाद हमें पिंक कलर लेना है किसी भी एक ब्रश पर और उसे हमें अपनी नीचे लैश लाइन पर अप्लाई कर देना है। पिंक कलर अप्लाई करने के बाद हमें अगेन वही स्मॉल ब्रश लेना है जिससे हमने ब्लैक आई शेडो अप्लाई करी थी और उसे लेकर हमें ब्लैक आई शेडो के साथ अपने काजल को स्मच करते हुए जाना है। तो स्मच करने का मतलब है हमें दोनों को एक साथ ब्लेंड करना है ताकि जो हमारा काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग बने और वो स्मच ना होने लगे। देन मैं यहाँ पर एक पिंकिश शेड का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश लगाने के बाद और कंटूरिंग करने के बाद हम डायरेक्टली बढ़ेंगे अपने हाइलाइटर की तरफ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में हाइलाइटर अप्लाई कर रखा था, यानी कि उनका जो फेस है वो काफ़ी डुई डुई लग रहा था, तो इसी तरीके से मैंने भी अप्लाई करा है। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूड शेड लिया है, न्यूड ब्राउन शेड लिया है, उन्होंने भी ब्राउन शेड ही लगा रखा था और उनकी जो लिपस्टिक थी थोड़ी सी ग्लॉसी थी। सो लास्ट स्टेप है मस्कारा, मैं ये स्टेप हमेशा भूल ही जाती हूँ पता नहीं क्यों। तो इसके बाद मेरा मेकअप ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने बाल वगैरह सही करने के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इसी तरीके के मेकअप लुक वगैरह और भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किसका इंस्पायर्ड मेकअप लुक करूं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।